क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फिजिकल और केमिकल चेंज, गिव रीजन. ओके, तो यहां पर आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, आपको रीजन भी यहां पर देना है. तो देखिए, ए पार्ट कह रहा है ड्राइंग ऑफ शर्ट इन द सन. ठीक है, वेट शर्ट है, गीली शर्ट है, और आपने क्या किया, उसको सन में डाल दिया, मतलब सनशाइन है बाहर ले आके डाल दिया. ठीक है, अब वो सूख गई. जब वो सूखती है तो कौन सा प्रोसेस होता है, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस? तो जवाब है फिजिकल प्रोसेस होता है. क्यों? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां पर इन्वॉल्व नहीं होती है. देखिए, ये वेट शर्ट है और वेट शर्ट पे क्या लगे हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये सन से एनर्जी इस पर पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, मतलब ये लाइट जो होती है, ठीक है, तो ये जो लाइट होती है इसमें फोटोन होते हैं. फोटोन अपनी, मतलब अब छोड़ो ये सब बातें, ठीक है, फोटोन लाइट, मैंने बताया ना क्लास में, लाइट किसका कलेक्शन होता है, फोटॉन्स का. ठीक है, आप सोच सकते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा भी सोच सकते हो, जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं. तो वो फोटोन एनर्जी का पैकेट होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, वही एनर्जी ला के ये वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं. जब लाइट इस पर गिरती है तो वो एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल को मिल जाती है. ओके, और वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी तो सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएंगे. ठीक है भाई, किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का हाई हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन करने लगेंगे वो. ठीक है, तो ये ऐसे करके यहाँ से निकल जाते हैं और शर्ट आपकी ऐसी हो जाएगी, वेट हो गई, सभी वाटर के पार्टिकल यहाँ से निकल गए. अब बताइए क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई यहाँ? नहीं, सिंपली जो लाइट थी उसमें जो फोटॉन्स थे उन्होंने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करी, वाटर के मॉलिक्यूल को, वाटर निकल गए बेचारे. अब क्या शर्ट को वापस से आप वेट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, उठा के पानी इस पर दोबारा डाल दो, इसको पानी में डाल दो, ठीक है, फिर से इस पर वाटर के पार्टिकल्स लग जाएंगे. ठीक है, तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज. यहाँ कोई भी नया केमिकल प्रोडक्ट तो बना नहीं आपने देखा. ठीक है, तो बहुत इजी, सभी बच्चों को आता भी होगा. तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि ये फिजिकल चेंज है, उसके बाद रीजन में एग्जाम में सिंपली लिख दिया क्या कि नो केमिकल आर एक्स एन का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है रिएक्शन, आप पूरा लिखेगा आर ई ए सी टी आई ओ एन. ओके, तो नो केमिकल रिएक्शन हैपेंस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ द शर्ट अंडर द सन. जब सन सूख रहा होता है, सन कह रहा हूँ, जब शर्ट सूख रही होती है तो उसके दौरान कोई भी केमिकल चेंज यहाँ पे देखने को हमको नहीं मिलता है. ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है. चलो बहुत बढ़िया, अब पार्ट बी देखते हैं. कह रहा राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर अ रेडिएटर. बच्चों देखिए, ये रेडिएटर कार में होते हैं, आपने सुना होगा, ये कूलिंग इफेक्ट का काम करते हैं, है ना. तो अब कह रहे हैं कि रेडिएटर के ऊपर, अब रेडिएटर तो गर्म हो जाता है ऐसा, ठीक है, ये रेडिएटर है कार का और ये काफ़ी हॉट हो गया किसी भी प्रोसेस से, ठीक है, उसमें हम नहीं जाते हैं. तो रेडिएटर जब काफ़ी हॉट हो जाएगा, अब देखिए रेडिएटर के ऊपर ये एयर है, ये क्या है, एयर है. अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी एयर डेंस है, अभी एयर कैसी थी यहाँ पे, डेंस. जब रेडिएटर ठंडा था ना, मतलब हमने कार नहीं चलाई तो रेडिएटर का कोई काम तो हुआ नहीं, है ना. तो रेडिएटर जब ठंडा था तो ये एयर डेंस थी, डेंस थी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास आपको ज़्यादा मिलेगा. अब मतलब कार हम कहीं से चला के लाए उसी जगह पे, अपने घर के सामने, अब वहाँ मतलब काफ़ी दूर तक चला के लाए उसी जगह पर, अब वहाँ की ये जो रेडिएटर है तो गर्म हो गया, तो क्या करेगा, ये हीट को रेडिएट करता है. जब ये हीट रेडिएट करेगा तो ये हीट एनर्जी किसको मिलेगी, ये हीट रेडिएट करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में हीट निकलेगी. ओके, ये सब हमने क्लास में पढ़ाया हुआ, रेडिएशन वगैरह आपको. ओके, तो ये हीट यहाँ पे निकलेगी और ये हीट किसको मिलेगी, एयर के पार्टिकल्स को. अब एयर के पार्टिकल क्या करेंगे बताइए, एक्सपैंड होने लगेंगे, हाँ, मोशन अच्छे तरीके से करने लगेंगे. तो अब ये ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, ये ऐसा, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपको मास कम मिलेगा. तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई एयर की डेंसिटी अब क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, एयर की डेंसिटी अब डिक्रीज, तो पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, मतलब अचानक से नहीं हो गई, धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि ये हीट को धीरे धीरे, रेडिएटर से हीट धीरे धीरे यहाँ पे निकल रही थी, तो एयर की जो डेंसिटी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलूँ तो एयर क्या कर रही थी, फैल रही थी. अब पर यूनिट वॉल्यूम में एयर के पार्टिकल्स आपको कम मिलेंगे. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या और क्लास में भी आपको ये पता है, देखिए डेंसर एयर जो होगी वो कहाँ होगी, नीचे, और लाइटर एयर जो हल्की एयर होगी जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आपको मिलती है, ये तो बात सभी बच्चों को पता है. ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम ये लिखेंगे भाई रेडिएटर क्या करता है, रेडिएटर जो हीट निकलती है उससे लाइटर एयर जो होती है, हल्की एयर कौन सी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर जाने लगती है, इसीलिए हमको एयर ऊपर राइज करते हुए लगती है, मतलब आपको आंखों से तो नहीं देखता है लेकिन हाँ एयर ऊपर राइज करती है. तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल चेंज है, बताइए, फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल प्रोडक्ट बना नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा आंसर लिखना है हमको कि राइजिंग ऑफ हॉट एयर रेडिएटर के ऊपर, जो हॉट एयर गर्म एयर होके ऊपर जो उठती है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरीके का फिजिकल चेंज. रीजन क्या है बताइए, रीजन हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके सामने, रीजन, ये रीजन है,
रीजन. रीजन क्या है? हॉट एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेस. मैंने आपको प्रोसेस समझाया, ठीक है. गर्म हॉट हो जाती है जब एयर, तो वो लाइटर हो जाती है. क्यों लाइटर हो जाती है? उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. पर यूनिट वॉल्यूम में मास अब आपको कम मिलेगा और वो लाइटर होके ऊपर राइज करने लगती है हल्की होके. नेक्स्ट है, कह रहा है कि बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल इन लैंटर्न. ओके, तो जो लालटेन जिसको आप हिंदी में बोलते हो, तो ये देखिए ये कुछ लालटेन इस तरीके का हुआ है ना. ये इसका हैंडल वेंडल है सपोज. अब यहाँ पे विक लगी हुई है और यहाँ केरोसिन ऑयल है, तो पहले आप क्या करते हो, उसको माचिस से जलाते हो शायद, है ना. ऐसा तो आपने इसको जब जलाया, तो शुरू में आपने जब इसको टेम्परेचर दिया बच्चों, मतलब टेम्परेचर देने का मतलब है आप इसकी हीट इन, मतलब हीट एनर्जी दे रहे हो किससे, माचिस स्टिक से, ठीक है. तो माचिस की तीली से जब आप इसने ऐसे इसको माचिस की तीली जब दिखाई, तो सोचिए ना, पहले ये विक में, पहले विक के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो कपड़ा होता है उसमें, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत केरोसिन ऑयल तो लगा रहता है. कैसे? कैपिलरी वाले प्रिंसिपल से, ठीक है, कैपिलरी वाले प्रिंसिपल से. जैसे कि भाई आप कागज ले लीजिए, ठीक है, पेपर ले लो, पेपर को पानी में डालोगे, कल बताया था ना फिल्टर पेपर को, तो पानी चढ़ने लगता है ना अपने आप. उसी तरीके से केरोसिन के पार्टिकल्स यहाँ पे चढ़ के बैठे होंगे ऐसे. जब माचिस से आपने इनको ऐसे दिखाया, तो क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, जब माचिस आपने यहाँ पे दिखाई, तो केरोसिन ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, अब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेंगे, अब वो वेपर बनने लगेंगे. तो वेपर बन के यहाँ आसपास आ गए, वेपर बन के अभी यहाँ, अरे हीट मिल गई उसको, तो वो लिक्विड से किसमें नहीं जाएगा, वेपर में. तो ये वेपर में आ गए. अब जब ये वेपर में आए, ठीक है, तो होता क्या है, जरा ध्यान से चेक करिए. जब ये यहाँ पर आए, तो इनको यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाती है. क्या मिलती है? ऑक्सीजन. और केरोसिन ऑयल के पार्टिकल्स का कम्बशन होने लगता है. किसके प्रेजेंस में? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. जैसे ही वो वेपर बन के बाहर निकलते हैं, उनको दो चीज़ें मिलती हैं. पहली चीज़ क्या? ऑक्सीजन. और दूसरी चीज़ क्या, सुनिए, दूसरी चीज़ जो मैच स्टिक से आपने क्या दिखाई थी, हीट. हीट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहां पर केमिकल रिएक्शन होने लगती है. और सुनिए, जो कैम, फिर आप तो मैच स्टिक हटा लेते हो, फिर तो वो जलता हुआ नजर आता है, फ्लेम बन जाता है, वहां ज्वाला निकलती है आपकी. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप माचिस की तीली हटा लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स यहां पे बन रहे होते हैं, आफ्टर द बर्निंग ऑफ द वेपर पार्टिकल ऑफ केरोसिन ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, जो प्रोडक्ट यहां बनते होते हैं बच्चों, वो प्रोडक्ट ऐसे बनते होते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. कैसी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपको हीट एज अ प्रोडक्ट मिलेगी, हीट उसमें निकलेगी, और कभी कभी लाइट भी हमको मिलती है. तो इस केस में लाइट और हीट दोनों मिलती है. बात समझ में आई? तो अब क्या होगा, अब हीट भी बन रही है और लाइट भी बन रही है. तो अब जो नई हीट बन रही है, वो नीचे से आते हुए न्यू केरोसिन ऑयल पार्टिकल्स को फिर से वेपराइज करेगी, और वो नए पार्टिकल्स जो वेपर में चेंज हो गए, वो फिर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, कम्बशन करेंगे अपना. कम्बशन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, तो उसको हम कम्बशन बोलते हैं. हीट और लाइट निकलेगी. इस तरीके से प्रोसेस बार बार चलता रहेगा. और कैपिलरी वाले प्रिंसिपल से नीचे से केरोसिन ऑयल, तो विक, जो विक कपड़े की जो आपने क्या कहेंगे उसको, बत्ती विक लगाई हुई है, उसमें चढ़ता रह रहा है. प्रोसेस समझ में आया? तो यहां पर बच्चों जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसके हमें नाम नहीं लिख ले, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रोडक्ट बनते हैं. इसके साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं, तो वो सब हमको नहीं याद करना है. लेकिन खास बात ये है कि यहाँ केमिकल चेंजेस तो हो रहे हैं. बात समझ में आई? कि तो अब एग्जाम में एज अ क्लास नाइन्थ स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल क्या है ना, लैंटर्न इज वॉट, केमिकल चेंज. और इसका हम रीजन क्या देंगे, इसका रीजन देंगे केरोसिन बर्न्स एंड कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यू केमिकल प्रोडक्ट्स. ये लिखना बहुत जरूरी है. तो दिस इज अ केमिकल प्रोसेस. ओके, नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 38 पार्ट डी देखिए. कह रहा है कि चेंज इन द कलर ऑफ ब्लैक टी ऑन एडिंग लेमन जूस टू इट. ओके, जो ब्लैक टी होती है, जब उसमें हम लेमन जूस डालते हैं, आपने देखा होगा या नहीं पता नहीं, देखिए, ठीक है. तो ब्लैक टी में अगर आप लेमन जूस डालोगे, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है. ओके, चलो बहुत बढ़िया. अब देखो, ये बच्चों केमिकल चेंज है. इस बात का सपोर्ट मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, बिकॉज आप क्लास टेंथ में जाओगे ना, तो आपके सिलेबस में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है. मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है. तो जवाब है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस का इवोल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है. जैसे कि हम जिंक के टुकड़े को जब एसिड में डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट बन सकता है, ठीक है. अब ये सब आप क्लास टेंथ में देखोगे, ठीक है. थर्ड है चेंज इन कलर. तो यहाँ से हमको बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्लू मिला है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन कलर. मतलब जब भी हमको चेंज इन कलर देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा 99.9% पॉसिबिलिटी की वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई होगी. ओके, इसी तरीके से चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट, तो ये सब हम क्लास टेंथ में पढ़ेंगे. लेकिन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक है आपका क्या,
चेंज इन कलर, और यहां आपको चेंज इन कलर देखने को मिल रहा है। ब्लैक टी को आप जब लेमन जूस में डालते हो तो कलर में चेंज आ जाता है, ओके, ऐसा इन्होंने बोला है। तो चेंज इन कलर शोज व्हाट, देयर इज सम केमिकल रिएक्शन हैपनिंग, ओके, ठीक है। अब इस पे आपको आंसर मिल गया। एज अ क्लास नाइन्थ स्टूडेंट आप सिर्फ इतना लिख दीजिए क्या कि भाई ये क्या है, केमिकल चेंज है, और रीजन में आप क्या लिखोगे, ये क्या लिखा है मैंने आपको अभी बता दूंगा, मैं ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली लिखिएगा बिकॉज चेंज इन कलर शोज व्हाट कि देयर इज सम केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग हेयर, ओके, बस आपको फुल मार्क्स मिल गए। लेकिन असली बात ये है क्या कि लेमन में क्या होता है, लेमन इज़ द सोर्स ऑफ, लेमन में सिट्रिक एसिड भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, मैलिक एसिड, तो ये डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं। और ब्लैक टी में बच्चों एक यहाँ पर केमिकल कंपाउंड होता है, दैट इज व्हाट, थियोफाइलिन, ओके, तो थियोफाइलिन जो होता है इसका जो ये ब्लैक कलर का होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये थियोफाइलिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट कहीं पर होंगे तो केमिकल रिएक्शन होती है, ये सब हम क्लास टेंथ में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं, यानी कि ये वाला केमिकल और ये सब केमिकल मिलके कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया कंपाउंड बन रहा होगा जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है। तो ये हमने आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। रीजन में आप ये नहीं याद होता है इसको मत लिखो, आप सिंपली लिखो बिकॉज चेंज इन कलर शोज व्हाट कि देयर इज सम केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग हेयर, ओके, कोई डाउट है, सिंपल। उसके बाद ई पार्ट देखिए, कह रहा है कि चर्निंग ऑफ मिल्क, मिल्क को आप चर्न करते हो, मिल्क क्रीम टू गेट बटर, ठीक है, मिल्क क्रीम को आप जब चर्न करते हो तो आपको बटर लेने के लिए, याद है ना प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से करते थे, इसको जब चर्न करेंगे तो स्किम मिल्क नीचे रह जाता है और जो क्रीम होती है बटर वाला पार्ट आप कह सकते हो वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, वो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया बताइए, ये हाँ ये आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किया, लेकिन आपने कोई केमिकल चेंज तो किया नहीं, ऐसा तो है नहीं कि उठा के कोई केमिकल आपने डाला, केमिकल रिएक्शन हुई और स्किम मिल्क नीचे चला गया और जो क्रीम है वो ऊपर आ गई, ऐसा तो हुआ नहीं, मतलब जो हल्का वाला पार्ट है बटर जहां से आपको मिलेगा वो ऊपर आ गया, ऐसा तो है नहीं कोई केमिकल आपने यहाँ डाला हो, तो आपने तो फिजिकल प्रोसेस किया, उस पर वर्क डन किया आपने सिंपली, ओके, चर्निंग करके हमने उस पर वर्क डन किया है, ओके, सिस्टम पे, तो एक फिजिकल चेंज है। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज नो केमिकल रिएक्शन हैपेंस ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ मिल्क क्रीम, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो आपको मार्क्स मिल गए यहाँ पर। लेकिन अगर आप सोचें, अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस हो कि वापस से हम उस पर वर्क डन करके क्या कर दें, उसको जो क्रीम है उसको वापस से स्किम मिल्क में अच्छे से मिक्स कर दें कोई फिजिकल वर्क करके, तो वापस आपको मिल्क जैसा था वैसा मिल जाएगा, तो फिजिकल चेंज यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं हुआ है, नोट कर लीजिए।